नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं कोट बांध। ये देखिए कोट बांध का इधर से जो ये मैन नज़ारा देखो, डॉक्टर का नज़ारा देखो, कितने शानदार पेड़ पौधे, खजूर के पेड़। जैसे कि आप देख रहे हो हमारी तरफ, इस कोट बांध का निर्माण 1924 में हुआ है और ये पहले मतलब कोट बांध इसका नाम नहीं था, इसका नाम सरजू सागर था। और ये क्या है कि सात पास में कोट गांव है, इसी कोट गांव के नाम पर फिर धीरे धीरे ये कोट बांध, इसको नाम ये कोट बांध नाम पड़ गया इसका। और ये जो मैन ये जगह आती है ये झुंझुनू और सीकर बॉर्डर पर है और ये झुंझुनू जिले के अंदर आती है। और हम इन जो ये मैन मंथ हैं, यहाँ के ऊपर एक मंदिर है, उनसे मंथ भी हैं, उनसे पूछते हैं। यहाँ पे काफ़ी दुर्लभ प्रजाति के पेड़ हैं, यहाँ पे राम नाम का पत्थर भी है। जो श्रीलंका गए थे तब पुल बनाया था समुद्र के आर पार, वो पुल का पत्थर यहाँ पे है राम नाम, वो तो हमेशा पानी के अंदर तैरता है, वो एक पत्थर है यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी दुर्लभ चीज़ें हैं। चलो हम ऊपर चलते हैं और इन बाबा जी से बात करते हैं और आप यहाँ का चारों तरफ का एक बार व्यू और देख लो। आज हम आए हैं खूबसूरत और धार्मिक जगह है यहाँ पे और इनसे पूछते हैं, ये बाबा जी और नमस्ते, पूछते हैं इस जगह के बारे में और यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, किसका मंदिर है, ये सब बताएंगे बाबा जी। और यहाँ कौन कौन से वृक्ष हैं बाबा जी बताओ आप। ये जगह जब से पृथ्वी पर संरचना हुई तब से ब्रह्म ने इस जगह को शिव आकार में बनाया। आप देखेंगे ये बिल्कुल चारों तरफ गोल जलेरी बनी हुई है पहाड़ों की, बीच में जिस पहाड़ी पर अपन खड़े हैं वो पहाड़ी और चारों तरफ ये नदी है इसके और उत्तर की तरफ जा रही है। मतलब से पृथ्वी बड़ी शिव आकार में शिवलिंग है यहाँ, इसीलिए ब्रह्म द्वारा निर्मित शिवलिंग होने के कारण से इंद्र ने, रावण ने, परशुराम जी ने और जमदग्नि ऋषि ने यहाँ तपस्या की और हजारों लाखों साल से साधु संत यहाँ तपते आए हैं। मंदिर का निर्माण बार बार होता रहा, खंडन होता रहा, इस तरह से ये निर्माण चलता रहा। अभी भी ये खंडेला बड़ा पाना के महाराजा थे हमीर सिंह जी, उनके द्वारा यहाँ जो एक सरजूनाथ जी को साधु रहते थे उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनकी एक संतान हुई, उन्होंने उस समय लाख रुपए चांदी वाले चढ़ाए और उनसे इस बांध का भी निर्माण करवाया और मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, शिलालेख भी उसका लगा हुआ है आज। ये है प्राचीन शिलालेख। तो इस प्रकार से ये प्राचीन स्थान है, तपस्थली है और शिवाकार में होने के कारण से मैंने इस स्थान पर अनेकों भारत के दुर्लभ जड़ी बूटियां और पेड़ पौधे लगाए हैं। यहाँ लाल चंदन है, सफेद चंदन के पेड़ हैं, कदम्ब है, रुद्राक्ष है, भद्राक्ष है, पारिजात है, कल्प वृक्ष है, 27 नक्षत्रों में से 22 नक्षत्रों के पेड़ हैं, 5 नक्षत्रों के और लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार से नवग्रहों के पेड़ हैं। तो ये भारत की अपने आप में एक दुर्लभतम पहाड़ी है ये, वनस्पति की दृष्टि से और ऐतिहासिक दृष्टि से, पुरातात्विक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से। तो ये स्थान दिव्य स्थान है, लोहारगल की 24 कोस परिक्रमा के अंदर दूसरा पड़ाव यही होता है। तो ये ऐतिहासिक जगह है और धार्मिक स्थान है। पास में सामने सरजू सागर नाम है इसका, लोग गांव पास में होने के कारण कोट बांध भी कहने लगे और 24 कोस की लोहारगल की परिक्रमा भी है स्थान। और ये चलो मंदिर का भी आप थोड़ा सा मंदिर शिव का मंदिर है वो दर्शन करवाओ। देखो ये है यहाँ का मंदिर जो शिवजी का है, प्राचीन शिवलिंग है, बहुत काफी।
बहुत प्राचीन है। बाबा जी कितने टाइम का माना हो सकता है आपके पास? यहाँ किसी उपेंद्र रावण परशुराम जी जब ऋषि तपे है तो ये प्राचीन शिवलिंग है, मुझे भी इतना पता नहीं कितना प्राचीन है। लेकिन साधु संत तपते हैं तो जितने भी सन्यासी होते हैं वो शैव के उपासक होते हैं, शिव के उपासक होते हैं, तो प्राचीन काल की प्राचीन मूर्ति है। सामने आप देखेंगे दशरा और निशंक है, दो बजाने वाले एक पूजा का, ये भी दुर्लभ है। एक कोने के अंदर लाल कपड़े के अंदर चिंतामणि एकाक्षी नारी है, ये भी दुर्लभ है। ये श्वेतार के गणपति है, सफेद आदमी की स्वयं को गणेश है, ये भी अति दुर्लभ है। इस तरह से भारत की दुर्लभ रुचि है दर्शन के लिए। दोस्तों हम इस वीडियो का यहीं अंत करते हैं, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, राम राम।